बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले और अत्याचार को लेकर भारत में कई जगह पर हंगामा मचा हुआ है। विरोध प्रदर्शन इस कदर बढ़ गया कि लोग पत्थरबाजी और आगजनी पर उतर आए। महाराष्ट्र के नासिक में लोगों ने बांग्लादेश के मुद्दे पर जमकर पत्थरबाजी की, जिसे कंट्रोल करने के लिए पुलिस को लाठी चार्ज भी करना पड़ा। प्रदर्शन को कंट्रोल करने के लिए बड़ी तादाद में सुरक्षा बल तैनात किया गया। दरअसल बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले के खिलाफ एक हिंदू संगठन की तरफ से बुलाए गए बंद के दौरान शुक्रवार को उत्तरी महाराष्ट्र के जलगांव और नाशिक शहर में उस वक्त तनाव फैल गया जब दो समूहों में झड़प हुई और पथराव किया गया। वहीं हालात को नियंत्रित करने के दौरान 6 से ज्यादा पुलिस कर्मी घायल हो गए। मिली जानकारी के मुताबिक ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन तब हिंसक हो गया जब भद्रकाली इलाके में दुकानें बंद कराने को लेकर कुछ दुकानदारों की प्रदर्शन कर रहे युवाओं से झड़प हो गई। इस दौरान दोनों तरफ से पथराव किया गया, साथ ही गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। इस दौरान पुलिस ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले छोड़े। वहीं नासिक से पहले छत्रपति संभाजी नगर और अहमदनगर में मुस्लिम समुदाय ने बड़ा विरोध प्रदर्शन किया था। यहां मुस्लिम समाज ने नासिक के पंचाले गांव में महंत रामगिरी महाराज पर आपत्तिजनक बयान देने का आरोप लगाया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने महंत रामगिरी महाराज को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत जेल में डालने की मांग को लेकर छत्रपति संभाजी नगर औरंगाबाद में अलग अलग ठिकानों पर लोगों ने जमा होकर प्रदर्शन किया। वहीं अब इस पथराव और झड़प को लेकर साजिश के आरोप भी लगाए जा रहे हैं। इस मामले पर पूर्व सांसद इम्तियाज जलील ने कहा कि चुनाव को देखते हुए ये पूरी साजिश रची जा रही है ताकि मुसलमानों में रोष पैदा हो और लोग रास्तों पर उतरें। उन्होंने कहा कि हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ कोई अपशब्द का इस्तेमाल करे। जल्द से जल्द इस मामले पर कार्रवाई होना चाहिए। वहीं नासिक महाराष्ट्र के जोन 1 DCP रविंद्र कुमार चौहान ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज की जा चुकी है। 15 आरोपियों को हिरासत में लिया जा चुका है। सुनिए आगे उन्होंने क्या कहा। इंसिडेंट के बाद अलग अलग यहां पर FIR दाखिल किए गए भद्रकाली पुलिस स्टेशन में। उसके इन्वेस्टिगेशन में अब तक 15 आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया है। बाकी फुटेज वीडियो देखकर जो जो इसमें लोग शामिल थे उनकी पहचान हो चुकी है और उनको अरेस्ट करने की प्रक्रिया शुरू है। अभी परिस्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है, पूरी तरह से शांत है और सभी लोग अपने अपने जो डेली रूटीन है उसमें लगे हुए हैं। परिस्थिति बिल्कुल पीसफुल और शांत है। सर, कोई धाराएं लगा गई है कि किसी प्रकार के नासिक में प्रतिबंधक कोई क्षेत्र बनाया गया है जहाँ पे इसमें यहाँ पे मालमत्ता को नुकसान पहुंचाना या लेने की कोशिश करना, ऐसे सीरियस सेक्शंस लगाए गए हैं ताकि इसमें आरोपियों को कड़ी से कड़ी उनके ऊपर स्ट्रांग एक्शन ली जा सके। नहीं, जो एरिया में कल यह हादसा हुआ था वहाँ पे कोई प्रतिबंधित क्षेत्र या पे कोई एक प्रतिबंधित क्षेत्र लगाएगा धारा को? जिस एरिया में ये घटना घटी थी वहाँ पर स्ट्रांग पुलिस बंदोबस्त तैनात किया गया है। स्टेट रिजर्व पुलिस की भी फोर्स यहाँ पर ऑन स्पॉट अवेलेबल है और पूरी तरह से परिस्थिति अभी काबू में है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।